देखो चारुल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वो उस लड़की की बहन ने अगर पुलिस कंप्लेन कर दी तो खामखा भाभी का नाम कोर्ट में घसीटा जाएगा, याद है ना? हाँ, मैंने एक फैसला लिया है, मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। भाभी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ठीक है, ठीक है भाभी, रखिए आपकी प्रॉपर्टी आपके पास, हम तो फिर भी जाएंगे। जस्ट एज आई थॉट, बात प्रॉपर्टी की है ही नहीं। अरे रिश्तेदार सालों साल कोर्ट में लगा देते हैं प्रॉपर्टी के पीछे, और पारुल ने एक सेकंड में कह दिया प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बात कोई और है। प्लीज बताइए क्या बात है, क्यों घर छोड़कर जाना चाहते हैं? कोई बात नहीं है भाभी, आज दर्श का बर्थडे है, ये तोहफा देंगे आप दोनों उसको। अब मुझे घर में सबको बताना पड़ेगा। भाभी क्या बताना पड़ेगा? दर्श अब तुझे हर चीज जाननी है। हाँ, हम तेरी बर्थडे का सरप्राइज प्लान नहीं कर सकते? हैप्पी बर्थडे दर्श, हमेशा खुश रहना, हेल्दी रहना और जिंदगी में बहुत कामयाब होना। थैंक यू चाची। हैप्पी बर्थडे दर्श। अच्छा तुमने पता क्या इस साल मोटा भाई बर्थडे गिफ्ट में क्या देने वाले? नहीं, वो माँ बर्थडे सेलिब्रेशन करना जरूरी है क्या? ऐसा कभी हुआ है जो हमने तेरी बर्थडे ना सेलिब्रेट की हो? ओके फाइन। दर्श की बर्थडे पार्टी तक रुक जाइए, वरना उसका स्पेशल डे खराब हो जाएगा। जी बाबा। तुम रुक जाओ पार्टी तक, मैं नवीन भाई से फोन पे बात कर लेता हूँ। सोबित भाई, अभी रितेश ने वो लंदन वाले डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल रखी है, मैं सोच रही थी कि अभी जाकर मिल को खुशखबरी दे आती हूँ, और वैसे भी मुझसे बेहतर तो मिली उनसे बात कर पाएगी ना? अरे नहीं 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 भाभी, भाई की आंखें वापस आ रही हैं यार, इतनी बड़ी न्यूज़ ऐसे हल्के में थोड़ी ना बोल देंगे। आई गेस मॉम और भाई को ये न्यूज़ देने से पहले ना यार कुछ तो सरप्राइज देना चाहिए ना उन्हें। भाभी आप एक काम करो, एक बड़ा डब्बा लो, उसमें छोटा डब्बा डालो और उसमें एक और छोटा डब्बा डाल दो, और उसमें रिपोर्ट्स रख दो जिसमें लिखा हो कि सर्जरी पॉसिबल है। मारी ये आइडिया तो अच्छा है, अब लेकिन देखना एमजे ना पहले बहुत चिड़चिड़ करेंगे, बोलेंगे कि क्या डब्बे में डब्बा, नंदिनी तुम में ना बहुत बचपन है। लेकिन एक बार जब उन्हें वो पेपर मिलेगा ना, और मिल उन्हें पढ़कर सुनाएंगी उसमें क्या लिखा है, तो उनकी ना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। सोबित भाई, आपके होते हुए ना आपके भाई और भाभी को कभी नजर नहीं लग सकती। क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो आपकी वो वीडियो कॉल है ना, आपको जाना है तो आप जाइए रितेश के क्लिनिक। लेकिन अगर एमजे पूछेंगे तो? मैं बोल दूंगा उन्हें, जैसे हर बारी संभालता हूँ। मैं बोल दूंगा आप गिफ्ट लेने गए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सोबित भाई। याद है भाईडी, जब मैं भी तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर जाता था तो हमेशा भूल जाता था कि तुम्हें रोजेज नहीं बल्कि लिलीज पसंद है।
लेकिन अब तुम्हारी कही हुई कोई बात नहीं भूलता मैं। हम सब ऐसा ही होगा चाहते जैसा तुम चाहती थी। सुनो, ये रोजेस हटा के व्हाइट और पिंक लिलीज लगा दो। लेकिन साहब, राजू मैडम ने यही रोजेस लगाने का। अरे तो मेरी बात की वैल्यू नहीं है क्या? मैंने मॉम से बात कर ली, जाओ और लिलीज लगा दो। देखा कितनी जल्दी इरिटेट हो जाता हूं मैं। बहुत बदल गया हूं यार भाईडी। तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूं, बट यू नो कभी कभी तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं क्या था और क्या बन गया हूं। नफरत हो जाती है यार अपने आप से कभी कभी। शोभित, ये लिलीज तो चामी को बहुत पसंद है ना? ओ, लिलीज तो सभी को पसंद होते हैं ना चाचू। हेलो, यस डॉक्टर चार्मी स्पीकिंग। नहीं, मैं आज की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती, मुझे फैमिली इमरजेंसी की वजह से द्वारका जाना पड़ रहा है। ओके, थैंक्स। मैंने वादा किया था अपने आप से कि द्वारका में कभी कदम नहीं रखूंगी, लेकिन हियर आई एम। आई होप बस अब शोभित से मुलाकात ना हो। Yes sir, no diabetes, no allergy and no BP. Well then, we are all set. I will get back to you with dates. Thank you sir. I don't know how to say this in English, but कानूड़ा ने आपको हम सब की प्रार्थना बनाकर भेजा है। I will courier you sweets from Rawal Sweets. Okay. Thank you. All right, Dr. Mathur. Yeah, I'll tell our ophthal team to make paper presentation. मैंने इमेजिन किया था तुम तो उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। आंखें खुलने के बाद सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखना चाहता था मैं। घर पे कोई है? क्या हुआ? हाँ जी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया रितेश। तुम मेरी मदद नहीं करते ने
तो आज मुझे एमजे के ऑपरेशन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। वैसे एक तरीका है। क्या? चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, मैंने नंदनी से बात नहीं की, लेकिन नंदनी तो मुझे बताकर जा सकती थी ना। नहीं, मुझे बात करनी ही नहीं है। लेकिन कैसे, कब तक मैं नंदिनी से बात करना अवॉइड करता रहूंगा? ऐसा लगता है नंदिनी कि अगर तुमसे बात करूंगा तो तुम्हें हर्ट करूंगा, और अगर बात नहीं करूंगा तो खुद को हर्ट करता रहूंगा। हैप्पी बर्थडे भाई। ब्रेसलेट वाली बात के लिए माफ कर दो यार। ब्लैकमेलर कहीं का, पता है ना तुझे कि ज्यादा देर तक अपसेट नहीं रह सकता तुझसे। चल कहाँ? अरे हमारा बचपन का रिचुअल भूल गया क्या? कहाँ जाते हैं हमेशा मेरे बर्थडे पे? जुबली पार्क। हाँ जुबली पार्क। सडनली उस जगह से सिर्फ दो भाइयों की नहीं, चारमे की भी यादें जुड़ी हैं भाई। चलो चलते। रुक रुक, अपना कैमरा लेकर आता हूँ। हाँ मैं चलता हूँ आपके साथ। अच्छा सुन, नंदिनी कहाँ है तुझे पता है? भाई वो हॉस्पिटल गई है रितेश के पास इनवाइट करने के लिए। अलग से इनवाइट करने क्यों गई है? रितेश को तो पता है ना कि घर में पार्टी है। वो मुझे नहीं पता। चल शोभित ने दर्श से झूठ क्यों बोला? उसे तो पता है कि नंदिनी उसके लिए गिफ्ट लेने जाने वाली है। प्रैक्टिस के लिए इतनी तैयारियां? अरे इतनी तैयारियां तो मैं किंजल को असली में प्रपोज करने के लिए भी नहीं करने वाला था। सुप्रीत भाई तो रॉकस्टार है। हाँ अब अच्छा सुनो, अब उन्होंने तुम्हारी इस प्रपोज प्रैक्टिस के लिए यहाँ जुबली पार्क में इतनी मेहनत की है, इसीलिए प्लीज अब तुम किंजल के सामने जाके ना बस नाक मत कटवा देना। अरे नहीं कटाऊंगा नानी बॉटल। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि तुम किंजल हो, ओके? और देखो हंसना नहीं। हाँ हाँ अब लेकिन सोबित भाई वो आने वाले थे ना? अरे हाँ वो आने वाला था लेकिन लगता है रास्ते में कहीं अटक गया। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मुझे अब फोकस करने दो, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हो गया हूँ यार। यार तुमने प्रॉमिस किया था तुम हंसोगी नहीं। मुझे तभी से हंसी आ रही है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैं नहीं हंसूंगी पक्का, प्रॉमिस। चलो ठीक है, एक काम करते हैं वहां चलते हैं। चलो मैम द्वारका पहुंच गई हैं। वो पहले किसी काम से जुबली पार्क जाने वाली हैं। उसके बाद उनकी बहन को लेने वो आपके पास आएंगी। उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने को कहा है। चेतन भाई को बता देती हूँ। पारुल, बंसुरी का फोन था, वो जो लड़की है ना उसकी बहन यहाँ आने से पहले जुबली पार्क में जाने वाली है। मैं काम करता हूँ वहीं जाता हूँ, उससे मिलता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ मैं भी चलती हूँ। नहीं तुम यहीं पे रुको, भाभी हम पे नजर रख रही है ना, तो तुम एक काम करो यहीं पे रहो और उन्हें घर के कामों में उलझा के रखो। मैं वहां जाता हूं, उस लड़की से बात करता हूं और देखता हूं क्या होता है और तुम्हें अपडेट करता हूं, ठीक है? और हाँ वो एक और बात थी पारुल। क्या हुआ? वहाँ शोभित कुछ अजीब सा। क्या शोभित? बोलो चेतन क्या हुआ शोभित को? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे पर
मैंने पहले ही कहा था ना, अगर तुम हंसोगी तो मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस। अच्छा सॉरी सॉरी, अब नहीं हंसूंगी, मैं किंचन हूँ। चलो अब हंसना नहीं है। हाँ, प्रॉमिस पक्का। जिस पल पहली बार मेरी नजरें तुम पर पड़ी थी, उसी पल में मुझे प्यार पे भरोसा हो गया था। किंजल, अगर इसी तरह जिंदगी भर तुम मेरा साथ दो तो मुझे लव स्टोरीज पे भी भरोसा हो जाएगा। मुझे पता था भाई, आप बर्थडे के दिन जुबली पार्क जरूर आओगे, इसलिए तो यह प्रपोजल की प्रैक्टिस यहां रखी थी मैंने। अरे भाई ध्यान से, क्या हुआ, लगी तो नहीं? बैठो 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 बैठो, दो मिनट। हाँ हाँ हाँ, स्प्रेन तो नहीं आ गया? लो कैमरा मुझे पकड़ा, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करो। हाँ हाँ, हो रहा है। एक मिनट, रियली सॉरी मैम। मैंने कहा था ना चार्मी, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। भाई आई ओके? हाँ बस हल्का सा दर्द है, आई बी फाइन। वैसे भी धूप बहुत है, घर ही चलते। हाँ चल। आई कांट वेट बाइडी, आज तुम्हारी मौत का बदला पूरा होने जा रहा है। हाय, कैमरा। थैंक यू। पता नहीं ये भांग पी के भाग रहा था क्या, और ऐसे कौन टकराता है? रितेश, इतनी छोटी छोटी बात की क्यों टेंशन लेते हो तुम? सारी लाइंस भी भुला दी। छोड़ो ने, चलो बताओ क्या बोलोगे किंजल को। अरे यार, पर डॉग क्यों चाहिए? मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारा पपी बन के रहूंगा। अरे बिल्कुल चाहिए, हम शादी के बाद ना एक डॉग जरूर लेंगे, और वो भी ब्राउन लैब्राडोर, और हम उसका नाम रखेंगे डोडो। और उसे वन नंबर टू नंबर कौन करवाएगा, घुमाने कौन लेके जाएगा? मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मैं तो बिजी रहती हूँ, तुम लेके जाओगे। नो 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 नो। यस 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 यस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।